आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपको बताऊंगा, आज बात करूंगा आपके साथ कैसे SC ST एक्ट को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे इससे मोदी सरकार को नुकसान होगा और आगे मोदी 2019 में जो आना चाहते हैं उसमें परेशानी होगी, तो मैं आपको बता दूं जो हमारा नैरेटिव है वो ये कि इससे सीधे सीधे मोदी को फायदा होने जा रहा है। जो सवर्ण सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, या फिर वो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चला रहे हैं नोटा का प्रेजेंट में, उसका एक पहलू यह भी है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मोदी को होने जा रहा है और वो वजह क्या है उस पर जाएंगे या वो फायदा क्या होगा वो भी बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत से चलते हैं, जब से मोदी सरकार आई है आखिर क्या वजह रही मोदी को ये SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर लाने की, तो शुरुआत से चलते हैं। एक रोहित वेमुला कांड हुआ था, ऐसे में 4-5 मामले बताऊंगा आपको जिनके चलते मोदी सरकार की छवि थी वो दलित विरोधी बन गई। रोहित वेमुला कांड हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उसपे सब लोगों ने बहुत घेरा बताया कि कैसे दलित छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। दूसरा जो बड़ा कांड हुआ था वो ऊना में हुआ, गुजरात में ऊना में हुआ। ये 4-5 लड़के जो मरी हुई गायों की खाल उतार रहे थे उन पर आरोप लगाया गया कि वो कैसे बीफ का व्यापार करते हैं और उनको सरेआम वीडियो बनाया गया, मारा गया नंगे करके, कपड़े उतार के उनको बेल्टों से पीटा गया। हालांकि जो लोग थे उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वो गुजरात में हुआ, क्योंकि केंद्र में सरकार भी बीजेपी और मोदी की थी, तो सीधे सीधे निशाने पर मोदी आए और सोशल मीडिया में ये बात उठी कि मोदी की सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और ये कई जगह अलग अलग चीजें हो रही थी। एक बड़ा मामला हुआ कि एक कोर्ट डिसीजन था उसको मोदी सरकार ने लागू किया कि जो यूनिवर्सिटीज में जो प्रमोशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है यूनिवर्सिटीज में, वो आरक्षण जो है एक यूनिवर्सिटी को पूरी इकाई मान के होता है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उन्होंने उसे डिपार्टमेंट वाइज कर दिया। और डिपार्टमेंट वाइज करने से, जैसा कि दलित जो एक्टिविस्ट है उनका आरोप है कि उससे डिपार्टमेंट वाइज जो आरक्षण के बाद जो पद निकले SC ST स्टूडेंट्स के लिए या उम्मीदवारों के लिए वो कम हो गए, और इसके चलते बहुत हंगामा हुआ। यूपी में भी मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी बात आई कि वहां भी आरक्षण खत्म किया जा रहा है कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही। तो इस तरह से कई बातें ऐसी हुई, उसमें फिर ये आदर्श गोयल की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कैसे मार्च में, 20 मार्च की बात है, कि कैसे इसको खत्म किया जाना चाहिए कि तुरंत गिरफ्तारी कर दी जाती है बिना जांच के। जब ये बात आई तो फिर मोदी सरकार पे एक बार दबाव पड़ा, लगातार हो ही रहा था बिहार चुनाव से पहले। फिर एक जो सुप्रीमो थे संघ के सरसंघचालक, उनका बयान आ गया आरक्षण को लेकर, तो उसको गलत तरीके से पेश किया गया और उसको उसका सीधा सीधा ये फोकस किया गया कि बिहार चुनाव मोहन भागवत के इस बयान की वजह से आ रहे हैं। वीके सिंह का एक बयान आया, उसको लेके माहौल बनाया गया कि दलितों को इतने बदतमीजी वाले शब्द से उन्होंने नवाजा है, वो सफाई देते फिरे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है और सोशल मीडिया है, लोगों को कहने का मौका मिलता है, तमाम सच झूठ कहा जाता है, तो धीरे धीरे ऐसे कई वाकये होते जा रहे थे। गुजरात में एक और लड़के का हुआ था, उस घोड़े पे बैठता था वो, और उसको मार दिया गया कि ये दलित था और घोड़े पे बैठता था इसलिए हो रहा था, एक मूंछ रखने के पीछे कुछ हुआ था। जो अलग अलग जगह वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति आ रही थी उसको लेके सीधे सीधे निशाना, क्योंकि ज्यादातर जगह वो बीजेपी की सरकारें हैं और मोदी की सरकार केंद्र में, ऐसे मोदी को दलित विरोधी बताने की बात की गई। अब मोदी को इससे निपटना भी था, मोदी को पता था दलित वोट बैंक की पहले से शुरुआत हो चुकी थी। 2013 में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब वो एक बयान इस बात पर दे चुके थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, और इसको लेकर लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जो बैकवर्ड क्लास है वो उनके साथ है। फिर उसके बाद, क्योंकि 2014 में काफी दलितों ने भी उनको वोट दिया, तो फिर मोदी ने कई कदम ऐसे उठाए जो इससे निपटने के लिए। तो वो कदमों की चर्चा SC ST एक्ट जो आपको पता है वो सबसे बात का था और उसी पे सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, वो किया ही। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो 5 उनसे जुड़े स्थान है उनको पंचतीर्थ के तौर पे डेवलप किया गया। लंदन वाला मकान, लंदन में जहां डॉक्टर साहब अपने जो पढ़ने गए थे वहां पे रहे थे उस घर में, उस घर को अब तक सरकार ने नहीं खरीदा था। उस इतने सालों बाद भारत की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में उस घर को खरीद लिया। इंदू मिल की जमीन जहां चैत्य भूमि विकसित की जानी है बॉम्बे में, वो इंदू मिल की जमीन जब वहां पे भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार हो गई और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार हो गई तो वो जमीन खरीद ली गई। ऐसे ही जो बाकी महू में भी है वहां सब जगह उन्होंने
बड़े कदम लिए जिससे कि जो डॉक्टर साहब के बाबा साहब के जो फैन हैं उनको मानने वाले हैं और उनमें दलित ही ज्यादा हैं और उन लोगों पे एक मैसेज जाए कि मोदी दलित विरोधी नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज गया। दलित राष्ट्रपति का चुना जाना जब बड़े बड़े नाम चल रहे थे अमिताभ बच्चन से लेकर आडवाणी तक, तब ऐसे में मोदी एक ऐसा चेहरा लेकर आए जिसके बारे में लोगों ने सुना नहीं था। रामनाथ कोविंद को लाया गया और गुजरात चुनाव से ठीक पहले के रामनाथ कोविंद की जो जाति है उसके गुजरात में बहुत अच्छे वोटर हैं, तो ऐसे में उनको लाना और ये मैसेज देना था पूरे दलित समाज को कि कैसे हम दलितों के हितैषी हैं, उन्होंने ये किया। हाल ही में पीएचडी को लेकर जो रूल है कि 50% आपको एंट्रेंस टेस्ट में 50% अंक चाहिए, उससे क्या हुआ कि मोदी की सरकार में जो एचआरडी मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने पता किया कि कितने पास हुए हैं या कितने जो लोग एलिजिबल हो रहे हैं पीएचडी करने के लिए, एनरोल करने के लिए, तो उसमें पाया गया कि जो परसेंटेज है 35% तो बैकवर्ड्स का है, तो 5% से ऊपर कुछ उनका है एससी का, एससी का 14% के करीब है, 14.2, 14.2। तो ऐसे में उन्हें लगा कि इससे जो एससी छात्र पिछड़ रहा है उससे मैसेज भी अच्छा जाएगा, उनके लिए जो एंट्रेंस में जो एलिजिबिलिटी थी वो 5% कम कर दी गई, यानी अब वो 45% पर ही एनरोल करा सकेंगे पीएचडी के लिए। ऐसे बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए दलितों के लिए लिए जो SC ST एक्ट में संशोधन वाली जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली बात थी, उससे पहले तमाम फैसले, मैं आपको बता दूं कि जो दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके जो चेयरमैन है मिलिंद, उनका बयान है, ये अखबार में बयान आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे ढूंढ सकते हैं कि मोदी सरकार के समय में सबसे ज्यादा दलितों को रोजगार मिला है, 2,75,00,000 लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है, वो 2,75,00,000 दलितों को मिला है, बाकी और तो जो है ही। तो ऐसे में इंडस्ट्री ने तारीफ की, और भी मैं यहाँ सारी चीजें बताने लग जाऊंगा कि मोदी ने दलितों के लिए क्या क्या किया और क्या क्या फैसले लिए, बड़े बड़े कदम क्या उठाए, उसमें समय जाएगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा था, जितने भी बड़े फैसले लिए जा रहे थे उसके बावजूद आप राहुल गांधी का ट्विटर उठा लीजिए और जितने बड़े नेता विपक्षी हैं सब मोदी को फिर भी दलित विरोधी, ये विरोधी वो कहते जा रहे थे। उसके बाद ये एक्ट का प्रेशर पड़ा कि दलित विरोधी सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही है दलितों के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर रही है या एक्ट नहीं ला रही है, तो दोनों काम सरकार ने कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया और रिव्यू पिटीशन भी पहले लाए थे। लेकिन उसके बावजूद ये मैसेज दलितों के अंदर या मीडिया में या एक सामान्य राय नहीं बनी कि इससे मोदी ने कोई दलितों के लिए अच्छा काम किया है, बलाओ सवर्ण आंदोलन का। जी हाँ, भले ही लोग कह रहे हैं कि उसे कांग्रेस ने पीछे से सपोर्ट कर रखा है, विपक्षी पार्टियों ने सपोर्ट कर रखा है, और या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो उसको उठा रहे हैं, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सवर्ण कार्यकर्ता है वो सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठा, जैसा भी हो, 6 सितंबर को एक बंद रखा गया, कई जगह सफल रहा कई जगह सफल नहीं रहा, लेकिन एक मैसेज गया कि सवर्ण इसके खिलाफ हैं और एक आंदोलन कर रहे हैं और वो इसके बहाने नोटा देकर या बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाह रहे हैं। लेकिन इससे एक मैसेज गया है दलितों के अंदर कि मोदी ने आपके लिए कुछ किया है, तभी सवर्ण इतने नाराज हैं। तो जाहिर है जो दलित वोटर होगा, जो बीच में होगा, यानी वो किसी पार्टी का अंधा फॉलोअर नहीं होगा जिसने 2014 में मोदी को वोट दिया होगा, वो वोटर इस बात को सोचेगा कि आज मोदी के खिलाफ इतना सवर्ण आए हैं। तो पहला फायदा ये रहा, इसके जरिए पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित वोटर्स में ये जो बीच में वोटर है जो किसी पार्टी का अंधा भक्त नहीं है उस पर ये मैसेज साफ तौर पे गया है। देश भर में इतना विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया पे इतना विरोध हो रहा है, कई जगह बंद हुआ और कई जगह अलग अलग घटना के जरिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो मैसेज ये गया है कि मोदी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो दलितों के हक में है, पहला जो फायदा है मोदी सरकार को। दूसरा जो फायदा है वो ये कि सबसे बड़ी मोदी को जो थ्रेट मिलने वाली है 2019 में वो उनके फेवरेट प्रदेश उत्तर प्रदेश से होगी। क्यों होगी उत्तर प्रदेश से? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का, अगर जैसा कहा जा रहा है, दोनों तैयार भी लग रहे हैं कि वो आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है जो दलित वोटर 20-22% जो मायावती को जाता है, बड़ा सॉलिड वोट बैंक है, वो अगर आपस में अखिलेश यादव की पार्टी से लड़ता या कांग्रेस से लड़ता तो बिखर जाता, उसका पिछली बार फायदा मिला था मोदी को, अगर ये मिलेगा तो मोदी के लिए बड़ी थ्रेट होगी। लेकिन अब
दो स्थिति, एक तो वो दलित वोटर इस आंदोलन के बाद वो दलित वोटर जो जाने वाला था मायावती या बाकी पार्टियों में, उसको दिक्कत होगी, वो मोदी के पास आ सकता है। प्लस जो सवर्ण वोटर, अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देगा तो हर हालत में उस पार्टी को वोट नहीं देगा जो मायावती को सपोर्ट करेगी। यानी जो भी सवर्ण वोटर है, इस बार पिछली बार मायावती के साथ ब्राह्मण वोटर चला गया था, लेकिन इस बार वो उस पार्टी के साथ जाएगा जो मायावती के विपक्ष में होगी, जो दलित वोटर जो माना जा रहा है। ये मोटा मोटा अनुमान है। जाहिर है कुछ सवर्ण पार्टियों से जुड़ा हुआ है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आम सवर्ण है जो एस टी एक्ट के खिलाफ है, वो कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाने वाला जो मायावती के साथ जाएगी। और उसका फायदा सीधे सीधे यूपी में बीजेपी को मिलेगा और मोदी को मिल सकता है। लेकिन मोदी को अभी भी अपने उस वोटर को मनाना है जो हमेशा से ज्यादातर उसका वोटर रहा है बीजेपी का। अब इस सवर्ण वोटर को वो कैसे लाते हैं, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी तमाम दिलचस्प खबरें, तमाम मुद्दे लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज और सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू।